हेलो गाइस, क्या हाल है। तो ये दोस्तों चलिए शुरू करते हैं सिक्सर ऐप के बारे में बताना। तो ये सिक्सर ऐप का अकाउंट मैंने बना लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे 10,000 रुपीज फ्री डोमेन मतलब फ्री में खेलने के लिए दिया है, जो मैं विड्रो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उससे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ यहाँ पे सब प्लेयर्स के नाम से। यहाँ पे आप रियल मार्केट में खेल सकते हो, वहाँ पे बैलेंस 0 रुपीज़ से आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। यहाँ पर 2% GST लगता है, तो अगर 100 रुपये ऐड करना है तो 100 रुपये पे करने पड़ेंगे, दर करोगे तो दर। सिंपल सी फंडा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्री मार्केट में हम खेलते हैं, लेकिन उनको 10,000 रुपये दिए गए हैं, तो भाई लोग 10,000 रुपये अपने मतलब सोच लो। तो यहाँ पे सारे जो टॉप प्लेयर है वो सबके लिस्ट आ रही है, अभी जो इंग्लैंड मैच चल रही है उसकी लिस्ट आ रही है, मतलब वो लोग टॉप में चल रहे हैं, उनका रेट्स अलग अलग है, वो रेट्स चेंज होता रहता है डिपेंड ऑन मैच। तो अभी ये जेम्स एंडरसन का रेट है 33.30, एक से का रेट है। तो पहले अपने यहाँ ट्रेड करना पड़ेगा जेम्स एंडरसन, क्लिक करते हैं उसके बाद ट्रेड पे क्लिक करते हैं, उसके बाद बाय सेल करते हैं। तो यहाँ पे आप 10% मैंने शेयर सिलेक्ट कर लिया है, और इतना रुपीज़ मैंने 400 रुपये का शेयर मैंने ले लिया है। तो यहाँ पे आप और जल्द पैसा लगा खेल सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है पहले आप फ्री टोकन का एक्सपीरियंस लो, पूरा फुल समझ लो क्या है गेम के बारे में, उसके बाद ही आप इस पर इन्वेस्ट करना, अदरवाइज मत करना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एमेजन का दिखा रहा है मेरे को -114 मिल रहा है, लॉस जा रहा है, तो उसको मैं भी बेच रहा हूँ। पहले अभी और थोड़े 2-3 प्लेयर बाय करते हैं। तो यहाँ पे मैं जॉस बटलर को बाय करूँगा, उसकी प्राइस 37.10 है, तो उसके 50 शेयर बाय करने वाला हूँ 1,800 रुपये। तो चलो मैंने शेयर को बाय कर लिया है। अभी मेरे पास 2 प्लेयर्स अवेलेबल थे, जैम एंडरसन और जॉस बटलर। अभी और एक प्लेयर बाय करते हैं अपने, कौन सा करे इंडियन बिल्डर का कुछ मतलब नहीं, क्योंकि अभी उसकी मैच नहीं है, तो उसका कुछ डिफरेंट होएगा नहीं, देखते हैं कोई अच्छा। ये तो बहुत महंगे प्लेयर है, मतलब इस पर इन्वेस्ट करना है, मतलब पोजीशन होल्डर पे करते हैं, जो 39.10% का एक शेयर है उसको 50 शेयर में बाय करने वाला हूँ। तो भाई साहब मैंने शेयर कर लिया है, मेरे को सिर्फ 5,000 रुपये पड़े हैं, और मैंने 3 प्लेयर का शेयर बाय किए, 1 के 10, 2 के 50, मतलब 110 शेयर मेरे पास अवेलेबल है 3 प्लेयर के। तो अभी हम ये शेयर को कैसे बेचना है, कैसे प्रॉफिट होता है, कैसे लॉस जाता है, वो सब के बारे में हमने देखेंगे। तो उसके लिए पहले मैं गेम बंद करके थोड़ी देर बाद खोलूँगा। तो अभी अपने बोर्ड टाइम नहीं हो रही, 5 मिनट हो गए हैं। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे कुछ सेल्स में डिफरेंस आया नहीं, मैच भी बंद है, चालू होगी उसे ही डेट में थोड़ा ऊँचा होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सेल करना है भाई, मतलब मेरे को 15 रुपये का लॉस जा रहा है। सोचता हूँ मैं जॉस फोल्डर का सिर्फ 15 रुपये लॉस करके मैं उसको बेचता हूँ सारे से। तो मैंने सारे शेयर बेच लिए यहाँ पे, तो मेरे को पैसे सब वापस अकाउंट में आ जाएंगे। और अभी यहाँ जॉस बटलर का भी है, उसका शेयर भी मैं बेचने वाला हूँ, सारे प्लेयर के शेयर्स में बेच ही देने वाला हूँ। ये खाली डोमेन डेमो अकाउंट है, सो आप कभी भी ऐसी गलती मत करना डायरेक्ट शेयर खरीद के या इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर। तो मैं ये शेयर बेच रहा हूँ सारे के सारे, यहाँ जो जेम्स एंडरसन का भी शेयर बेच रहा हूँ, तो मेरे को भाई साहब 2,000 का लॉस हो गया है। लेकिन मैंने बहुत जल्दी सिर्फ आपको बताने के लिए खरीदा और बेचा, अगर थोड़ा वेट करते अच्छा खेलते प्लेयर तो चलता होता। तो ये मेरा कोड है, मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ, वहाँ से डाउनलोड करें, कोड डालें और खेलें। सो गाइस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो बताइए, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, तो मैं वीडियो बना के रखूँगा पूरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।